बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा पार्टी के खिलाफ लगातार बयानबाजी करते रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर बीजेपी नीतियों को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लोग पेट्रोल डीजल के दाम, किसानों की हड़ताल, कश्मीर नीति, जजों के मुद्दे और उपचुनाव में हार को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर समस्याओं का जल्द निदान नहीं किया गया तो चिड़िया खेत चूक जाएगी। झारखंड के गिरिडीह में भूख से हुई महिला की मौत की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि 4 जून की रात चतरा में भी कचरा बीनने वाली महिला मीना की कथित तौर पर भूख से मौत हो गई। वह चतरा के इटखोरी स्थित प्रेमनगर मोहल्ले के आसपास रहती थी। मृतक महिला के बेटे ने बताया कि उन दोनों ने पिछले 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। गुजरात के कच्छ जिले में भारतीय वायुसेना का जगुआर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में पायलट संजय चौहान की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि जगुआर विमान रूटीन ट्रेनिंग के तहत जामनगर से उड़ान भरी थी। हादसे के बाद जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ग्वाटेमाला के अत्यधिक सक्रिय ज्वालामुखी फ्यूगो के फटने की घटना में मृतकों की संख्या 59 हो गई है, जबकि इससे 10 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। इस घटना के बाद राष्ट्रपति जिमी मोरालेस ने 3 दिन के लिए राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वह और उनकी सरकार इलाकों में आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने के बारे में कांग्रेस से बात करेगी।